वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से गार्डनिंग का वीडियो है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं दो पेड़ लाया हूँ। कौन सा मैं पहले दिखाया, तो आप लोग एक है पीस लिली और एक है स्नेक प्लांट। दोनों को मैं आज इस दो मेरा पॉट है, मैं ये भी ख़रीदा हूँ तो इसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगा और इसको लगाऊंगा। इससे पहले मुझे इसका जो मिट्टी है वो तैयार करना पड़ेगा। गार्डन सॉइल मेरे पास है, मुझे सिर्फ कोकोपीट और थोड़ा भर्मी कॉम्पोस्ट लाना है जिससे जो ये पेड़ है अच्छा से ग्रो करेगा। और ये पेड़ भी चलो ठीक है। और एक चीज़ लाया हूँ, ये मुझे बोला है एस्थिलीन सॉल्ट, कुछ ऐसा ही कुछ बोला है, मैं फिर से पूछूंगा, मैं भूल गया। हाँ, एस्थिलीन सॉल्ट या कुछ। इससे अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं 1 लीटर पानी में अगर देता हूँ, स्प्रे करता हूँ जो सब इंडोर प्लांट्स है जिसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है, तो उसका जो ग्लेज है वो बहुत बड़े अच्छा रहेगा और उसका जो मतलब पत्ता है जो लीफ है वो अच्छा से ग्रो करेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ बोला हमारा महीना में 2 बार देने के लिए, 15 दिन बाद पूरा पेड़ में स्प्रे करने के लिए, तो पेड़ भी अच्छा रहेगा, ग्लेज रहेगा, उसका जो पत्ता है वो भी अच्छा रहेगा। तो पेड़ बहुत अच्छी तरह से सब लग गया, सिर्फ ये दोनों लगाना है। आप लोगों को तो मालूम है स्नेक प्लांट क्या काम करता है। स्नेक प्लांट 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पीस लिली भी एक फूल का पौधा है और ये भी एक अच्छा चीज़ ही है कि घर में अगर कोई भी गैस हो या कुछ भी हो ख़राब चीज़ वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों इंडोर प्लांट है और पीस लिली देखने में बहुत बढ़िया लगता है। मुझे मिला, मैंने उठा लिया दोनों। इसका चलो मिट्टी तैयार करते हैं। तो अभी मैं तैयार करूँगा मिट्टी। ये गार्डन सॉइल है, कोकोपीट रखा हुआ है, ये है भर्मी कॉम्पोस्ट और इधर में रखा हुआ है नीम खली। इसमें ये थोड़ा एंटी फंगस होता है, फंगस नहीं रहेगा, तो ये सब मिला के मैं तैयार करूँगा। देख लीजिए, ये रहा नीम खली, गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट, दोनों टॉब को इसको मैं मिक्सिंग करके दोनों टॉब को फिल करूँगा। ये एक टॉब है, एक टॉब नीचे, वो भी लाऊँगा, उसको फिल करके फिर वो पौधा मैं लगाऊँगा। तो अभी इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा जो पॉट का जो रहता है ये सब, ठीक है। इसके बाद जाएगा गार्डनिंग सॉइल जो मैंने तैयार किया, कोकोपीट, नीम खली और गार्डनिंग सॉइल और भूमि कंपोस्ट को मिला के इसके ऊपर पौधा मैं बैठाऊंगा। तो ये मैंने बैठा दिया पौधा, अब इसके साइड से मैं दे दूंगा पूरा। तो पीसीली का जो पेड़ है वो मैंने लगवा दिया, ऐसे करके मैं स्नेक प्लांट भी लगाऊंगा। आज बहुत धूप है तो इसीलिए मैं ये सब इधर रख दिया। कल सुबह सुबह वो जो नींबू का पेड़ है उसको मैं रोके दिखाता, जो नींबू का पेड़ है उसको उसका जो मिट्टी है वो मैं कल तैयार करूँगा। दो टॉब है उसका भी मिट्टी तैयार करके उसमें कुछ अलग गाछ रखूँगा, पेड़ रखूँगा। मैंने देख लिया, यहाँ पर रख दिया दोनों पेड़ और यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आता, ये मेरा छोटा सा बेतकनी है, ठीक है, ज़्यादा धूप नहीं आता यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा, हवा भी आता है, रोशनी ही मिलेगा सब कुछ। तो अभी मैं 2 से 3 महीना यहाँ पर छोड़ दूँगा इसको, रेगुलर थोड़ा पानी दूँगा और इसको यहाँ पर रख दूँगा ग्रो होने के लिए, इसके बाद मैं रूम में शिफ्ट करूँगा। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ देखने के लिए।